नमस्कार, स्वागत है आप सभी का JKVP चैनल पर। मैं आज आपको इनकम टैक्स पार्ट 2 का सबसे पहला चैप्टर जो कि कैपिटल गेन है, उस चैप्टर को शुरू करने जा रहा हूँ। चलिए सबसे पहले मैं आपको कैपिटल गेन का मीनिंग समझा डालता हूँ। कोई भी एसेट बेचकर अगर कभी आप उससे पैसे कमाते हैं तो उन पैसों को हम कैपिटल गेन कहेंगे। जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग को बेच दिया जाए, ज्वेलरी को बेच दिया जाए, इसी तरीके से प्लांट एंड मशीनरी को बेच दिया जाए, यानी कि कोई भी एग्रीकल्चरल लैंड या अर्बन लैंड को बेच दिया जाए, ज़मीन जायदाद मकान आदि को बेच दिया जाए और उससे पैसे कमाए जाए, तो इन सभी से मिलने वाली आमदनी को हम कैपिटल गेन कहेंगे। वैसे कैपिटल गेन 2 किस्म की होती है, एक लॉन्ग टर्म और दूसरा शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर 20% अधिकतर, कभी कभार 15% और कभी कभी 10% भी फ्लैट रेट बेसिस पे टैक्स लगता है, इनकम टैक्स। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तो सीधे तरीके से ग्रॉस टोटल इनकम का हिस्सा बन जाती है। बहरहाल रूल क्या है वो देखिए, कोई भी एसेट को, नॉन फाइनेंशियल एसेट, कोई भी एसेट को अगर कभी हम 3 साल से ज़्यादा यूज़ करते हैं, 3 साल या 3 साल से ज़्यादा यूज़ करते हैं और यूज़ करने के बाद अगर कभी उसे बेचते हैं तो हम उससे आने वाली आमदनी को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहेंगे। मतलब कि अगर कभी हम 3 साल या 3 साल से ज़्यादा होल्डिंग पीरियड में हम एसेट को हमारे पास रख कर के बेचे तो उससे होने वाली आमदनी लॉन्ग टर्म, और उससे कम यानी कि 2 साल या 2.5 साल रख के या 1 साल रख के बेच दे तो उससे होने वाली आमदनी शॉर्ट टर्म कहलाएंगी, शॉर्ट टर्म। लेकिन ईयर 2008 to 2009 से लैंड एंड बिल्डिंग को खास करके यह टाइम पीरियड 2 साल का हो चुका है, यानी कि अगर कभी लैंड एंड बिल्डिंग को हम 2 साल रख करके अगर कभी बेचते हैं तो वो लॉन्ग टर्म कहलाएंगी, और 2 साल से कम समय के लिए रखकर बेचते हैं तो वो शॉर्ट टर्म कहलाएंगी। अभी ये रूल फाइनेंशियल एसेट के ऊपर अलग है। अब फाइनेंशियल एसेट का मतलब होता है शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर, सिक्योरिटीज़ वगैरह वगैरह। ये भी 2 किस्म की हो सकती है, फाइनेंशियल एसेट टाइप ए, फाइनेंशियल एसेट टाइप बी। फाइनेंशियल एसेट टाइप ए यानी कि जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो, जो रिकॉग्नाइज हो, इन सभी के लिए 1 साल का पीरियड है, 1 ईयर पीरियड। और टाइप बी एसेट यानी कि वो शेयर्स, वो स्टॉक जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड ना हो, अनलिस्टेड हो, तो उनके लिए 2 साल का पीरियड है, और अगर कभी वो म्यूचुअल फंड है तो उसके लिए 3 साल का पीरियड है। इससे ज़्यादा अगर कभी हम रख करके इस्तेमाल में ला करके अगर बेचेंगे, मतलब हमारे पास होल्ड करके बेचेंगे तो वो लॉन्ग टर्म कहलाएंगा, उससे कम अगर कभी हम हमारे पास होल्ड करके बेच देंगे तो उससे मिलने वाली आमदनी शॉर्ट टर्म कहलाएंगी। अब जहाँ तक एग्रीकल्चरल लैंड की बात है, अगर कभी एग्रीकल्चरल लैंड अर्बन एरिया में है, अर्बन यानी कि शहर में है, तो उसके ऊपर इनकम टैक्स लगेगा, और अगर कभी वो रूरल एरिया की है, रूरल एरिया का है, तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, इनकम टैक्स नहीं लगेगा। तो ये कुछ खास बातें हैं जो हर किसी को पता होनी चाहिए। एक प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाता हूँ, देखिए उसका प्रॉब्लम कैसा होता है और उसे किस तरीके से सॉल्व किया जाना चाहिए। प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, देखिए अब उसे किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। देखिए प्रॉब्लम है, मिस्टर महेश परचेस्ड एन आर्ट पीस ऑफ मुगल्स पीरियड फॉर ₹5 लाख ऑन 5th जुलाई 1999 एंड 1,50,000 इज स्पेंट फॉर ग्लास फ्रेम एंड इल्यूमिनेशन विथ इलेक्ट्रिक लाइट्स इन अक्टूबर 2009। ही सोल्ड द एसेट फॉर ₹30 लाख ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। इफ सेलिंग एक्सपेंसेस आर ₹27,000, कैलकुलेट कैपिटल गेन फॉर द करेंट असेसमेंट ईयर। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर 2009 to 10 इज 148।
तो ये रहा आपका प्रॉब्लम। मिस्टर महेश नाम का एक शख्स है जो मुगल के ज़माने की एक कलाकारी, एक आर्ट पीस 5 जुलाई 1999 में 5 लाख रुपए में खरीदा था। 1,50,000 रुपीज़ उसके ऊपर उसने अक्टूबर 2009 में ग्लास फ्रेम और इल्यूमिनेशन यानी कि डेकोरेट लाइटिंग वगैरह लगाकर खर्चा कर दिए थे। ही सोल्ड द एसेट, मतलब उसने वो एसेट को बेच डाला पिछले साल 30 लाख रुपए में। और अगर कभी उसे 27,000 का खर्चा आता है बेचते वक्त, तो कैपिटल गेन फाइंड आउट कीजिए। ये हमारा प्रॉब्लम है। हमारे को मदद करने के लिए इसने 2009-2010 का इंडेक्स भी दे रखा है, वो है 148। बाकी के कोई भी इंडेक्स इसमें इस प्रॉब्लम में नहीं दिए हैं। बहरहाल कुछ इंडेक्स हमें ही पता होना चाहिए, ये बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले पिछले साल का इंडेक्स यानी कि 2018-19 का इंडेक्स, ये हमेशा 272 रहेगा, ये आपको याद होना चाहिए। इतना तो आपसे एक्सपेक्टेशन प्रॉब्लम वाला रखेगा। फिर 2001 और उससे पहले का इंडेक्स हमेशा 100 होता है। जैसे कि यहाँ पर मुगल की जो आर्ट पीस है वो 1999 में खरीदी गई है, यानी कि 2001 से पहले का पीरियड है। तो 2001 से पुराना इंडेक्स कभी भी 100 रहता है, ये हमें पता होना चाहिए। बहरहाल ये प्रॉब्लम की शुरुआत देखिए कैसा करना है और इसे कैसा सॉल्व करना है, मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले आप लिखिए कंसिडरेशन रिसीव्ड। ये कंसिडरेशन रिसीव्ड का मतलब है कि वो एसेट को हमने कितने में बेचा। उस एसेट को हमने बेचा 30 लाख रुपीज़ में। फिर लेस करना है ट्रांसफर एक्सपेंस या सेलिंग एक्सपेंस। हमें प्रॉब्लम में पता चला कि 27,000 सेलिंग एक्सपेंडिचर भी है, तो 27,000 लेस करने के बाद आपको आंसर आ जाएगा 29,73,000। इसे कहते हैं नेट कंसिडरेशन, नेट कंसिडरेशन। इसके बाद में लिखना है हमें इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब है कि जो ज़माने में यानी कि 1999 में जब प्रॉपर्टी को खरीदा गया था, एसेट को खरीदा गया था, उसकी वैल्यू उस दौर में 5 लाख थी। अगर आज की तारीख में उसे खरीदा जाता तो हमें कितना चुकाना पड़ सकता था, यानी कि कितना लगभग हमें कितना खर्चा बैठ सकता था, तो वो फाइंड आउट करने के लिए हमारे को इंडेक्स की ज़रूरत पड़ती है। 5 लाख रुपए उस ज़माने में हमने खर्चा करके उसे खरीदा था, इसे हमेशा मल्टीप्लाई करना 272 से, यानी कि प्रीवियस ईयर के इंडेक्स नंबर से जिस साल हमने उसे बेचा, और डिवाइड करना खरीदे सो ज़माने के इंडेक्स से यानी कि 100 से। इससे हमें वैल्यू पिछले साल यानी कि करेंट वैल्यू पता चल जाएंगी, पिछले साल उसकी वैल्यू क्या रहनी चाहिए वो पता चल जाएंगी। तो 5 लाख * 272 डिवाइडेड बाई 100 करने पर हमें वैल्यू आएगा 13,60,000, 13,60,000। ये तो हो गया खरीदे सो वैल्यू, इसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। हमने वो ज़माने की वैल्यू 5 लाख रुपए को अब के ज़माने में कन्वर्ट करके भी देख लिया है। अब हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। ये इम्प्रूवमेंट का मतलब है कि क्या उसने वो आर्ट पीस पर कभी कुछ खर्चा किया है अलग से, क्या उसके अंदर उन्हें कुछ एडिशन ऐड किया है, अगर मकान है तो क्या उसने फ्लोर जोड़ा है, अगर आर्ट पीस है तो क्या उसके ऊपर और भी कुछ उन्हें फ्रेम वगैरह लगाया है, तो उसे हम इम्प्रूवमेंट कहेंगे। एक्स्ट्रा खर्चा यानी कि एक्स्ट्रा उसमें कुछ ऐड ऑन एक्टिविटी को हम इम्प्रूवमेंट कहते हैं, उसका भी कैलकुलेशन करना होगा। अब प्रॉब्लम में देखने से हमें पता चल रहा है कि इसने 1.5 लाख रुपए खर्चा किए थे,
और ये किए थे 2009 में, अक्टूबर 2009 में। बहरहाल 272 से मल्टीप्लाई करके उसको करेंट वैल्यू में कन्वर्ट करने की कोशिश करना और डिवाइड करना, ये 1.5 लाख रुपए कौन से ज़माने में खर्चा करा था उससे, उसके इंडेक्स से, और वो ज़माने का इंडेक्स था 148, अक्टूबर 2009 का इंडेक्स। ऐसा करने पर हमें जो वैल्यू आएंगी वो वैल्यू है हमारी कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट 2,75,676, 2,75,676। इन दोनों को प्लस करके बाहर लिखकर माइनस करना है, इन दोनों का टोटल हो जाएगा। देखिए अभी आप 16,35,676, अब ये माइनस करने पर हमें आएगा 13,37,324। ये है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। इस तरीके से इनकम का वो कैपिटल गेन का प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। हेडिंग आप याद रख लीजिए, कंप्यूटेशन ऑफ मिस्टर सो एंड सो पर्सन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन फॉर द असेसमेंट ईयर 2018-19। सबसे पहले कंसिडरेशन रिसीव्ड लिखना, अगर कुछ एक्सपेंडिचर है तो वो माइनस करना, नेट कंसिडरेशन आ जाएगा। इसके बाद में इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फाइंड आउट करना, मतलब कि कितने में उस प्रॉपर्टी को खरीदा गया था, उसको मल्टीप्लाई करना करेंट ईयर के मौजूदा इंडेक्स से जो कि 272 है, डिवाइड करना उस ज़माने के इंडेक्स से, अगर कभी 2001 या उससे पुराना है तो 100 है, यह हमें पता होना चाहिए। ये इंडेक्स की पूरी लिस्ट है, आपको ये पता होना चाहिए, वो लिस्ट भी मैं स्क्रीन पे डाल दूंगा। देखिए इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, मतलब कुछ उसके ऊपर उन्हें कुछ ऐड ऑन किया क्या, अगर किया है तो उसको भी 272 से मल्टीप्लाई करके जो साल में उसने किया था उससे डिवाइड कर दीजिए, फिर इन दोनों को ऐड करके लेस कर दीजिए, आपको आंसर आ जाएगा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। इस तरीके से सॉल्व किया जाता है।